नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेज में। और मैं प्राथमिक स्तर के उन सभी प्रश्नों को लेकर के प्रेजेंट हो गया हूं यूपी टेट के, जो कि विवादित हैं और जिसपे आपको कॉमन नंबर मिल सकता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आपके उन प्रश्नों को जो कि विवादित हैं। आइए बात करते हैं। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं शैशव काल का समय। दोस्तों ये जो कॉमन हो सकता है और बिल्कुल होगा, इसमें दो विकल्प आपके सही हैं, जन्म से 6 वर्ष तक और जन्म से 2 वर्ष तक। तो इस प्रकार से इसको श्योर मानकर चलिए ये आपका कॉमन नंबर में जाएगा या तो इसे डिलीट कर दिया जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? तो दोस्तों सृजनात्मकता तो होता ही है, इसके साथ ही साथ समस्या समाधान भी होता है, तो ये भी प्रश्न आपका कॉमन हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में किसका सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों बता दें कि आंसर की में गाल्टन माना है, लेकिन बहुत सारी किताबों में क्रो एंड क्रो मिलता है, इसलिए इस पर भी आप आपत्ति कर सकते हैं और इसमें जो है आपको कॉमन नंबर जरूर मिलेंगे। आइए बात करते हैं, ये काफी विवादित प्रश्न है और चूंकि रिपीटेड प्रश्न है। निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? तो दोस्तों बता दें कि यहाँ पर कैनन को तो माना गया है, लेकिन क्रेशमर भी माना जाता है जब कोट हुआ था, तो दोनों ऑप्शन को सही माना गया था, इसलिए इस पर जरूर आपत्ति करें, ये आपको जरूर मिल जाएगा। आगे बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसे तो कतई आप मत छोड़िएगा और इसका जो है आप जो है इस पे जरूर डालिएगा आपत्ति। अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है? तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जो होता है अभिप्रेरणा होता है, लेकिन माना क्या है परिपक्वता, इसलिए ये नंबर जो है कॉमन हो जाएगा या तो इसे डिलीट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस पर जरूर आपत्ति डालें। आइए देखते हैं ये प्रश्न आपके सामने है, शायद ये प्रश्न हो गया है क्या, आइए बात करते हैं। हाँ शैशवावस्था वाला हो गया है और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जब कोर्ट में गए थे छात्र तो इसका दोनों सही माना गया था, आग की किरकिरी होने का अर्थ, इसलिए आपके पास एक बार का पहले का भी आपके पास प्रमाण है। अप्रिय लगना तो होता ही, कष्टदायक होना भी होता है, इसलिए इसे भी कॉमन श्रेणी में ले जाएंगे। अब चलिए हम बात करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में देखिए यहां पर जो व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव पूछा है, तो चूंकि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के अंतर्गत ही क्वालिटेटिव आता है, इसलिए यहां पर भी दोनों ऑप्शन सही माने जाएंगे, तो इस पर भी आप आपत्ति करें, डिस्क्रिप्टिव के ही अंतर्गत क्वालिटी होता है। चलिए आगे देखते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं फिर यहां पर कंफ्यूजन किया इंग्लिश में, इस पर भी आप आपत्ति दे सकते हैं, इसको काफी मैंने चेक किया है और उसके बाद आपको बता रहा हूं। इसमें हैविंग टायर्ड भी सही है, बिल्कुल पहला ऑप्शन भी सही है और दूसरा बीइंग टायर्ड भी सही है, तो इसलिए इस पर आप आपत्ति कर सकते हैं और इस पर आपको कॉमन नंबर मिल सकता है। चलिए आगे बात करें। देखिए ये भी इंग्लिश में एक ऐसा प्रश्न है जो कि कॉमन हो सकता है और हो जाएगा, आप आपत्ति दीजिए और जितने लोग हो सकते हैं उतने लोग आपत्ति दीजिए। पिक आउट द सुटेबल एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जुडिशियस का जो सिनोनिम्स, जब एंटोनिम्स आप देखेंगे तो इसका एंटोनिम्स जब सर्च किया गया तो इसमें देखिए सिली भी होता है और इम्प्रूडेंट भी होता है, ठीक सिली भी होता है इम्प्रूडेंट भी होता है, इसलिए ये प्रश्न कॉमन आपके हो जाएंगे, इस पर आप आपत्ति जरूर दीजिए, ऑब्जेक्शन जरूर करिए। चलिए देखिए एक प्रश्न इंग्लिश का और है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कैप्टिवेटेड। इस पर भी आप देख सकते हैं अरेस्टेड को माना है, लेकिन यहां पर एस्टोनिस्ट भी हो सकता है, तो इसलिए दोस्तों आपको इस पर भी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए और कहीं से भी आप कमी ना करें, क्योंकि अगर आपका दो ही क्वेश्चन चार ही क्वेश्चन बढ़ता है तो आप सभी को फायदा होगा। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र खाद श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है, तो इसमें देखिए मांसाहारी माना है, लेकिन जब इस पर जो है कोर्ट में चले गए थे पिछली बार स्टूडेंट, तो जीवाणु को भी सही मान लिया था, इसलिए ये भी आपका कॉमन हो जाएगा क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है।
तो दोस्तों सब मिलाकर के अगर देखा जाए आपको तो लगभग 7 to 8 लगभग कॉमन नंबर आपके होंगे, या तो डिलीट कर दिए जाएं या तो कॉमन कर दिए जाएं। तो आप आपत्ति करने में बिल्कुल विलंब न करें, आप जो आपत्ति करें ऑब्जेक्शन करें, पीएस क्लासेस भी अपने तरफ से आप सभी भाई बहनों के लिए ऑब्जेक्शन करेगा। और जो भी आपके पास और भी है प्रश्नों का, इस पे आपत्ति की जा सकती है, वो प्लीज जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भाई बहन तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी भाई बहन जो है आपत्ति दे सकें। और समय भी आपके पास 1 फरवरी तक है, तो आप बिल्कुल विलंब न करें। चलिए, अगर आप चाहते हैं कि सबसे विश्वसनीय और ऑथेंटिक प्रमाणित सूचना ऐसी वीडियो आप तक पहुंचे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, राइट साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एंड तक आपने वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच एवरीवन।